इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع اخر ليبلوكم ايكم احسن عملا محترم بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام हर तरह की हमदो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो कायनात का तन्हा रज़ाक है तन्हा निगरान है और तन्हा मुहाफिज है और हर चीज़ के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखने वाला है। तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन। हाज़िरीन जुमा, आज जिस मौजू के तहत मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने के लिए रब की तौफीक से खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का इस्तक़बाल हम कैसे करें, रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें।
और रमज़ान के महीनों में उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी सआदतें कैसे हासिल करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बिल्कुल हमसे करीब है, जिसका इंतज़ार हर मुसलमान को होता है, हर मोमिन को होता है। अल्लाह से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम में के हर शख्स की अल्लाह हिफाजत करे और हर शख्स को अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की सआदतें और बरकतें अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। बहुत जल्द हम और आप इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल होने वाले हैं, तो इस मुनासिबत से मैं समझा कि रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, रमज़ान के लिए अपने आप को कैसे हमें तैयार करना चाहिए। तो इन तमाम बातों की वजाहत करने के बाद होगा इसका फ़ायदा ये कि रमज़ान के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे और रमज़ान की इबादतों में अपने आप को मशगूल रखेंगे, मसरूफ़ रखेंगे और हर किस्म की बेजा और बेकार और बेहुदा किस्म की हरकतों से अपने आप को हम महफूज रखेंगे। इसलिए पहले से इन तमाम चीज़ों की तैयारी करना, जिसका कि अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मिलता है कि रमज़ानुल मुबारक की बाकायदा तौर पर वो लोग तैयारियाँ किया करते थे। और असलाफ़े कराम जो है रमज़ान मुबारक में दाखिल होने के लिए अल्लाह से महीनों महीनों पहले दुआएं किया करते थे और कहा करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह रमज़ान का जो महीना है अल्लाह तो हमें नसीब कर दे, रमज़ान की इबादतें हमें नसीब कर दे। तो लिहाजा इस नाहिये से रमज़ान का महीना बहुत ही अबरकतों का महीना है। ये महीना क़ुरान का महीना है, रमज़ान का महीना क़ुरान का महीना है, रमज़ान का महीना इंसानी रूह की तरबियत का महीना है, रमज़ान का महीना रब से अपने आप को करीब करने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना खुद के गुनाहों से माफ़ी चाहने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जन्नत से करीब होने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जहन्नम से खुद को आज़ाद करने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना सदका व खैरात करने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना दुआओं का महीना है, मुनाजात का महीना है, रब के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तिलावत कुरान का महीना है, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम के पढ़ने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खैर और अच्छाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं। मेरे भाइयों, तभी तो हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक का चांद जैसे ही हम देखते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से चांद को देख करके दुआ करते हैं। क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान, अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इस हिलाल रमज़ान को परवरदिगारा हमारे लिए अमन और ईमान और सलामती का जरिया बना दे। परवरदिगारा रमज़ान की शुरुआत होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कहते हैं कि अल्लाह इसे हमारे लिए अमन और सलामती का ज़रिया बना दे, हमारे ईमान के लिए सलामती का ज़रिया बना दे, हमारे लिए खैर का ज़रिया बना दे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और जैसे ही रमज़ान का चांद तुलू होता है, ज़ाहिर होता है, अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते हैं, मुनादी करते हैं। क्या मुनादी करते हैं, मुनादी करते हैं, या बागियल खैर, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़ो, अकबिल अकबिल, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़ो, आगे बढ़ता जा नेकी के काम में। और दूसरी तरफ अल्लाह के फरिश्ते ये भी ऐलान करते हैं, व या बागिया शर, ऐ बुरा करने वाले, ऐ बुराई करने वाले, अक्सर अक्सर, अपने आप को रोक ले, अपने आप को आगे मत बढ़ा। ये वो महीना है जिस महीने में जिसने अगर अपने आप की बख्शिश नहीं करवाई उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर के ऊपर चढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे अपना कदम रखा, तीन मर्तबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स खाक आलूद हो जाए, वो शख्स नामुराद हो जाए, नाकाम हो जाए।
सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो आमीन कह रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब मिंबर पर आप चढ़ रहे थे तो आपने कहा आमीन, क्या वजह है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन ने उस शख्स के हक में बददुआ की जो शख्स के रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपने आप की माफ़ी ना करवा सके, तो इस बात पर कि उन्होंने कहा कि वो शख्स नाकाम हो जाए, नामुराद हो जाए, तो मैंने उस पे आमीन कहा। आप अंदाजा करो मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहने वाले हैं। रमजान का महीना पा करके भी अगर कोई इंसान अपने अंदर तब्दीली ना लाए, अपनी तरबियत ना करे, अपनी इस्लाह ना करे, इबादतों के एतबार से अपने आप को पाबंद ना बनाए, सुन्नतों का पाबंद ना बनाए, यानी इंसान अपने आप के अंदर चौबंद अपने आप को अगर इंसान ना करे, तो फिर जिंदगी में उसकी तरबियत कब होगी, कब होगी उसकी तरबियत? लिहाजा हर 11 महीने के बाद आप देखिए एक महीना रमजान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। ये 11 महीना ये हमारी रूह को ताकत देने वाला महीना है, हमारी रूह की परवरिश करने वाला महीना है। इसलिए कि रमजान में आप देखिए इंसान बंदा क्या है, सहर करने के बाद से फज्र के बाद से लेकर के मगरिब की अजान तक इंसान मुकम्मल रोजे की हालत में रहता है, रोजे की हालत में आदमी रहता है। उसके बाद आप देखें बंदा जिक्र करता है, अज़कार करता है, दुआएं करता है, तिलावत कुरान करता है और रात में कयामुल लैल करता है, तरावी की शक्ल में हो या नफिल इबादतों की शक्ल में हो, बंदा यानी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इबादतों में मसरूफ रखता है। जिस कदर बंदा अपने रूह को गिजा पहुंचाता है इस एक महीने के अंदर, जिस कदर अपने रूह को मजबूत करता है बंदा इस महीने के अंदर, आने वाला 11 महीना उस कदर वो शयातीन से और उसकी जुर्रियत से बाकायदा तौर पर इंसान मुकाबला करता है और ईमान जिस कदर मजबूत होता है, रूह जिस कदर मजबूत होती है, उस कदर शैतान को उसके मकर व फरेब में उसको नाकाम करता है वो इंसान। और जिस इंसान का ईमान और जिस इंसान की रूह जिस कदर कमज़ोर होती है, शैतानी हमले उसके ऊपर उसी कदर होते हैं और ईमानी कमज़ोरियाँ इसी तरह आते आते वो दीन से, शरीयत से, तमाम चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का जो ये बाबरकत महीना है, जिसके अंदर दाखिल होने से पहले पहल सबसे पहली तैयारी रमज़ानुल मुबारक के लिए जो हमको और आपको करनी है, वो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ, बज़ाहिर देखने में सुनने में बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। वो काम क्या है? हमको और आपको रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दाखिल होने से पहले पहल सबसे पहला काम जो करना है, वो काम अपनी नीयतों की इस्लाह, अपनी नीयतों की इस्लाह, हमारी और आपकी नीयतों की इस्लाह। हमारी नीयत अगर दुरुस्त है तो हम जो भी अमल करने जा रहे हैं वो अमल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, वो अमल हमारे लिए कारगर होगा। और अगर हमारा नीयत दुरुस्त नहीं है, नीयतों के अंदर खराबी है, नीयतों के अंदर रियाकारी है, नीयतों के अंदर दिखावा है, नीयतों के अंदर शोबाजी है, नीयतों के अंदर सिर्फ शोहरत हासिल करना है, तो यकीन माने कि हम कितनी भी इबादत कर लें, इबादत का हम को कोई फायदा नहीं। इसलिए सलफ कहा करते थे कि अगर कोई बंदा अपनी नीयतों की इस्लाह नहीं करता है, उसकी नीयतों में खराबी है, अगर पूरी जिंदगी भी वो सजदा कर ले, वो इंसान कभी मुत्तकी नहीं बन सकता है। जरा अल्फाज और बात पे गौर कीजिए, अगर हमारा इंटेंशन सही नहीं है, हमारी दिल अगर हमारा दिल साफ नहीं है, खालिसतन लिवजहिल्लाह हमारा अमल अगर नहीं हो रहा है, अल्लाह की रिजा के लिए अगर हमारा अमल नहीं हो रहा है, और दिल के अंदर अगर हमारी तरह तरह की खयानतें और तरह तरह की बीमारियां अगर हमारे दिलों के अंदर शामिल हैं, तो ज़िंदगी भर हम सजदा कर लें, हम मुत्तकी नहीं बन सकते। इसलिए फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहिमहुल्लाह, जिनसे उनके फर्जंद ने, उनके बेटे ने सवाल किया कि अब्बा जान, आप ज़रा हमें बतलाएं कि सहाबा किराम जो कोई बात कहते थे तो उनकी बातों में एक लज्जत हुआ करता था,
आज हमारी बातों में वो लज्जत क्यों नहीं पैदा हो रहा है। फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहिमहुल्लाह ने जो बात कही वो बात हमारे लिए और आपके लिए, क्या बात उन्होंने अपने बच्चे को अपने बेटे को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा कि सहाबा किराम जो भी बात कहा करते थे उनकी बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हुआ करता था। अल्लाह अकबर। उनकी जबान से जो बातें निकलती थी वो बात सिर्फ जबानी नहीं हुआ करती थी बल्कि उनके दिल इस कदर पाक थे कि उनकी जबान से निकलने वाली बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हुआ करती थी। और जन्नत सबसे अहम था उनकी नज़र में, जन्नत के मुकाबले में दुनिया की कोई कीमत नहीं थी उनके सामने। इसलिए उनकी बातों में एक लज्जत, एक सुकून और एक इत्मीनान और उनसे मोहब्बत और अपनाइयत का जज्बा हमारे दिलों के अंदर पैदा है। आज हमारे दिलों की कैफियत वो ना होने की वजह से आज हम वो तमाम की तमाम लज्जतें अपनी बातों के अंदर हम नहीं महसूस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी नीयतों की मिसाल कैसी है? हमारी नीयतों की मिसाल एक बर्तन की मिसाल है। जैसे एक बर्तन है, अगर वो बर्तन अंदर से जिस कदर आप साफ रखेंगे, आप उसके अंदर कुछ भी रखें वो चीज़ सही सालिम और दुरुस्त रहेगा। बर्तन जाहिर में कितना भी खूबसूरत हो लेकिन अंदर से गंदा हो, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ रखी जाए वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से इंसान की नीयत, इंसान का दिल अंदर से अगर साफ है, शफाफ है, खालिस है तमाम किस्म की बुराइयों से, हसद से, कीना से, कपट से, बोझ से, दिखावे से, रियाकारी से, तो यकीनन अगर ये दिल पाक है इन तमाम चीज़ों से तो इबादत जो होगी यकीनन उस इबादत का अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक सहाबी रसूल जिनका नाम साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। साद बिन माज़ कितनी 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए और इनकी वफ़ात कब होती है? 6 साल के बाद, यानी 36 ईयर में ये वफ़ात पा गए। और साद इब्ने माज़ वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मालूम होनी चाहिए कि इनकी जब वफ़ात हुआ था रब्बुल आलमीन का अर्श हिल गया था, रब्बुल आलमीन का अर्श हिला। ये वो सहाबी हैं जो मरने से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत दी थी। मरने से पहले पहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत सुनाई थी। क्या अमल था इनका? कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी? एक मरतबा सहाबा किराम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बंदा अभी आने वाला है फुला दरवाजे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और वह बंदा क्या है? जन्नती है। सहाबा सब की सब उनकी निगाहें दरवाजे की तरफ, भाई कौन आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं। देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर हजरत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक हाथ में जूतियां लिए हुए हैं, एक हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं और उनके दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के ताल्लुक से कहा कि अगर कोई देखना चाहता है तो इस जन्नती शख्स को देख ले। उस महफिल में बैठे हुए एक सहाबी रसूल कहते हैं कि मुझे रहा नहीं गया कि आखिर किस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत सुनाई है। जब महफिल खत्म हुई, मजलिस खत्म हुई तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया और मैं उनके घर चला गया और मैं कहा कि भाई मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। मैं उनके घर मेहमान बनकर करके रहा 3 दिन और मैंने सोचा कि देखूँ इनका अमल क्या है। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम का जज्बा अमल देखिए कि इनका अमल क्या है, किस अमल की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत दी है। मैं भी वो अमल कर लूं और मैं भी वो अमल करके जन्नत का मुस्तहिक मैं अपने आप को बना लूं। कहते हैं कि मैं 3 दिन था उनके घर में, देखा सिर्फ तहज्जुद पढ़ रहे हैं रातों को और 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। मैंने दिल में कहा मैं ये काम तो मैं भी कर रहा हूँ, आखिर कौन सा ये इसमें खास खसूसी अमल क्या है, एक कॉमन सी चीज़ है, मैं भी ये काम कर रहा हूँ। जब 3 दिन हो गए मैं जाने लगा तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बिशारत किस अमल पे दिया है, वो कौन सा अमल है। तो जब जाने लगे तो साद इब्ने माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बुलाया और कहा कि देखो मेरा एक अमल है, छोटा सा अमल, शायद तुम्हें भी काम आ जाए, मैं तुम्हें बतला देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा अमल ये है कि मैं अपने दिलों में
में किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से कोई कीना, कोई कपट, कोई हसद, कोई बोस मैं मेरे दिल के अंदर नहीं रखता हूँ। मेरा दिल आईने की तरह है, मेरा दिल साफ और शफाफ है। इसी वजह से शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत सुनाई। अल्लाहु अकबर। इस वाकये को आप समझें मेरे भाइयों, इस वाकये के ऊपर ज़रा गौर करें आप कि हम और आप थोड़ी देर के लिए, हम और आप थोड़ी देर के लिए इसी मजलिस के अंदर अपने आप का जायजा लें, क्या हमारे दिल में किसी के ताल्लुक से कोई बोझ है, कोई हसद है, कीना है, कपट है, किसी की दुश्मनियाँ, किसी की नफरतें हमारे दिलों के अंदर है? आप जायज़ा लें, हम जायज़ा लेते हैं, और जायज़ा लेकर आप देखें कि अगर ये तमाम चीज़ें हमारे दिलों के अंदर नहीं है तो यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये सोचो कि आपका दिल साफ है, शफाफ है, और यकीनन आप अपने दिल के अंदर मुखलिस हैं, अपने इरादे के अंदर मुखलिस हैं, आपका नीयत साफ है। और अगर ये तमाम चीज़ें हमारे दिलों के अंदर झांक रही हैं और ये तमाम चीज़ें हमारे दिलों के अंदर पैदा हो रही हैं तो फिर समझो कि हमारा दिल खयानत कर रहा है, फिर समझो कि हमारा दिल खयानत कर रहा है, हमारी नीयत उसके अंदर फतूर है, उसके अंदर खोट है, और वो इबादत हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अजर व सवाब का मुस्तहिक नहीं बनने देगी। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने दिलों को साफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक बड़ी प्यारी दुआ है, उस दुआ को याद करो, उस दुआ को हमेशा पढ़ा करो। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैया। ऐ अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ कि कोई चीज़ मैं रब्बुल आलमीन तेरे साथ किसी को शरीक करूँ। व अना आलम, ऐ अल्लाह, मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ जान बूझ करके परवरदिगारा हमारे दिलों के अंदर कोई फतूर दाखिल हो जाए, जान बूझ करके हमसे कोई गलती और कोताही हो जाए परवरदिगारा, व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलम, और परवरदिगारा जिस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ अल्लाह उन चीज़ों को भी माफ़ कर दे परवरदिगारा, जो जानकर मैंने किया है और जो अनजाने में किया है अल्लाह दोनों चीज़ों को तो माफ़ कर दे परवरदिगारा। इस दुआ को आप याद कर लें, इस दुआ को आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, हमेशा पढ़ें। आसान दुआ है, क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैया व अना आलमु व अस्तग़फिरुका बिमा ला आलम। ये बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाह से आप कहें कि अल्लाह जिन चीज़ों को मैं जानकर गुनाह हो गई है मुझसे, जो चीज़ अनजाने में हो गई है, अल्लाह दोनों चीज़ों के ताल्लुक से तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे परवरदिगारा। तो मेरे भाइयों, दिलों की इस्लाह क्या है? बड़ा मुश्किल काम है। इस मैदान में बहुत सारे लोग हार जाते हैं, दिलों की इस्लाह के मामले में बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं। बड़ा बड़ा अमल तो करते हैं लेकिन उनके दिलों में रियाकारी का जज्बा आ जाता है, दिखावे का जज्बा आ जाता है। बड़ी बड़ी इबादतें तो करते हैं लेकिन दिलों की कैफियत सही ना होने की वजह से, नीयत दुरुस्त ना होने की वजह से बड़े बड़े आमाल से वो क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाते हैं। कल अल्लाह तबारक व तआला जो जहन्नम की आग भड़काएगा, सबसे पहले वहाँ पर जो शख्स पेश किया जाएगा वो कौन होगा? एक शख्स जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया होगा, जिहाद किया होगा, जिहाद जैसा अमल, लेकिन किसके लिए? दुनिया की शोहरत के लिए। अल्लाह कहेगा दुनिया में तेरे को मिल गया। तो लिहाजा हम अगर कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए मेरे भाई नहीं कर रहे हैं, शोहरत के लिए कर रहे हैं, तो यकीन मानो मेरे भाई दुनिया के अंदर ये चीज़ हमें मिलकर रहेगी, आखिरत में इसका कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में कदम रखने से पहले, दाखिल होने से पहले हम अपनी नीयतों की इस्लाह करें मेरे भाइयों। आज आप देखते होंगे, बड़ी अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज इंसान कोई भी काम कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है, किसी का ताउन कर रहा है, फौरन सेल्फी, फौरन सेल्फी इंसान ले लेता है। किसी को 100 रुपया भी देता है कोई तो 10 आदमी खड़े होकर फ़ोटो खिंचाता है, किसी को थोड़ा अनाज देता है 10 आदमी खड़े होकर के फोटो। ज़रा सोचो, आप जिसको दे रहे हो और 10 आदमी फ़ोटो ले रहे हो, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? जिसकी तुम मदद कर रहे हो, जिसका तुम ताउन कर रहे हो, उसके ऊपर क्या गुजरता होगा? अगर आपके दिल में वो खुलूस है तो इन तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है?
क्या जरूरत है, नेकी कर दरिया में डाल, इबादत कर, खैर के काम दरिया में डाल, यानी अल्लाह के पास ये तमाम चीज़ें महफूज हो रही है। अरे मेरे भाइयों, इस्लाम हमें हमारी नीयतों के ज़रिए से अपने आमाल की हिफाजत करने का हुक्म देता है। आपको मालूम होनी चाहिए, गैर जिनके पास धर्म नहीं है, जिनके पास ईमान यानी सही अकीदा नहीं है जिनका, आप देखिए रातों को उठ करके गैरों की मदद करते हैं। आप देखिए ठंड के महीने में रास्ते और चौराहों, दिल्ली की ठंड और ठंडक के अंदर आप देखेंगे कितने ऐसे गैर मुस्लिमीन हैं जो ब्लैंकेट और कंबलों को लेकर के अंधेरे में गरीबों के पास बांटते हुए और नंगों को कपड़ा पहनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको सेल्फी लेते हुए आप नहीं देखेंगे, उनको शोहरत हासिल करते हुए नहीं आप देखेंगे। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से, इन रियाकारियों से अपने दिलों को पाक करो, तभी जा करके रमज़ान मुबारक की इबादतों का फ़ायदा है और गैर रमज़ान की इबादतों का फ़ायदा है, वरना हमारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भाई, सलफ़े सालेहीन कहा करते थे कि सबसे बड़ा मुश्किल काम अगर कोई मेरे पास है तो वो मुश्किल काम है नीयतों की इस्लाह करना, नीयतों की इस्लाह करना। जो नीयतों की इस्लाह करने में कामयाब हो गया वो सबसे बड़ा कामयाब है, और जिसने अपनी नीयतों की इस्लाह करने में कामयाब नहीं हुआ वो सबसे बड़ा नाकाम इंसान है। इसलिए सलफ़े सालेहीन कहा करते थे, रुब सगीरतिन तुकब्बिरुन्निया व रुब कबीरतिन तुसग्गिरुन्निया, कि बसा औकात नीयतों की दुरुस्तगी की वजह से छोटे छोटे आमाल अजर व सवाब में बड़े हो जाते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि बड़े बड़े आमाल नीयतों में खोट और कमी की वजह से वो छोटे हो जाते हैं अजर व सवाब की वजह से। एक आदमी है, एक रुपया अल्लाह की राह में दिया, लेकिन बड़े खलूस के साथ, डरते हुए, बहुत खलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व ताला उसको उस अमल की वजह से इतना बड़ा मकाम देता है कि इंसान सोच नहीं पाता। एक इंसान है, लाखों करोड़ों अल्लाह की राह में दिया, लेकिन सिर्फ किस लिए? शोहरत पाने के लिए गया वो अमल, इतना बड़ा अमल। तो वही कहा जा रहा है कि रुब्बा सगीरतिन तुकब्बिरुन्निया, कि छोटी चीज़ें कभी कभी क्या होती है, सिर्फ नीयत की दुरुस्तगी की वजह से वो पहाड़ के बराबर हो जाती है, और नीयतों में खराबी की वजह से पहाड़ के बराबर चीज़ राई के दाने के बराबर हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कुरान मजीद के अंदर आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो बार बार कुरान ने कहा कि अपने नीयतों की इस्लाह करो, मुखलिसीन लहुद्दीन, अंबिया की जमात को खिताब करके कहा गया। क्यों कहा गया? अंबिया जब का उनका दिल क्या होता है, खालिस होता है, मुखलिस होता है, उसके बावजूद इस बात को बार बार दोहराया गया। तो मेरे भाइयों, हम और आप यहां पर खवातीन इस्लाम भी बैठी हुई हैं, खवातीन इस्लाम से भी हम यही कहेंगे कि रमजानुल मुबारक के बाबर महीने में दाखिल होने से पहले अपने आप को तैयार करें इबादतों के लिए, अपने आप को तैयार करें यानी खैर के काम करने के लिए, अपनी नीयतों की इस्लाह करें, अपनी नीयतों की दुरुस्तगी करें। अगर नीयतों की दुरुस्तगी हो गई मेरे भाई, तो फिर हमारे लिए इबादत करना, अमल करना, ये सारे के सारे आमाल हमारे लिए आसान होंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसनु अमला, अहसन अमला। इससे फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं कि किसी भी अमल के लिए दो शर्त है। दो शर्त क्या है? कि वो अमल क्या हो, अखलस हो, और वो अमल क्या हो, अस्वब हो। अखलस से मुराद अल्लाह की रिजा के लिए, और अस्वब से मुराद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो अमल हो। इसलिए अल्लाह ने कहा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अमल करने वाले बहुत हैं, लेकिन बेहतर अमल करने वाला कौन है तुम में से, वो चीज रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, इन बातों का ख्याल करें। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना इंसानों को एहसास दिलाता है, गरीबों को एहसास यानी गरीबों के अंदर जो हमदर्दी का जज्बा, मालदारों के अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। कहता है कि ऐ मालदार, तो साल भर लग्जरी घर के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, पेट भर करके ज़िंदगी गुजारता है, एक महीने की तकलीफ तुझे कैसे महसूस होती है, ज़रा तसव्वुर कर कि गरीब, एक मिस्कीन जो साल भर कितनी मरतबा फाका कशी की ज़िंदगी गुजारता है, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि भूख क्या चीज होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, तू मेरे दिलों के अंदर यानी गरीब और मिस्कीन की मोहब्बतें मेरे दिलों के अंदर दाखिल कर दे। तो रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना तरबियत का महीना है, रूह की तरबियत का महीना है, नीयतों की इस्लाह का महीना है, तिलावत कुरान का महीना है, सदका व खैरात का महीना है। ये महीना आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात आंधी तूफान की तरह अल्लाह के
رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نفلی صدقات بھی کریں واجبی صدقات بھی کریں۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تو زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اور جس وقت آپ کے مال پہ واجبی زکوٰۃ ہوتا ہے اس وقت آپ نکالنا، رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ ہاں رمضان کے مہینے میں اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ آپ دیجیے، اور رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں جب آپ کے مال پر ایک سال کی مدت گزر رہی ہے، حولان حول ہو رہا ہے اور وہ مال نصاب کو مکمل ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے، آپ دے دیجئے۔ تو لہذا رمضان میں واجبی زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی آپ نکالیے برابر طریقے سے حساب و کتاب کر کے، اور نفلی صدقات بھی آپ اس مہینے کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا استقبال پرجوش طریقے سے اللہ اور پوری خوشی کے ساتھ ان کی عبادتوں کے ارادے سے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی غفلت اور سستی اور کاہلی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ انہو تعالی جواد کریم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم حضرات ابھی آپ کے سامنے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہل کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں کہی گئی، جس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، نیتوں کی اصلاح ہے، تبھی جا کر کے ہماری عبادتیں ہمیں کام آئیں گی۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر بندے کو خوب عبادتیں بھی کرنی چاہیے، دعاؤں کو ذریعے سے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ افطاری کے وقت اللہ سے آپ خوب دعا کریں، بندہ اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت میں سحری کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی لیٹ سے کھائیں، سحری کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، وہ سنت ہے، سحری کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کھاؤ، اللہ نے سحری میں برکت رکھا ہے، برکت رکھا ہے۔ اب اس وقت طبیعت نہیں چاہتی ہے، اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، پھر بھی اٹھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ایک سنت کو آپ زندہ کر رہے ہیں۔ لہذا سحری کا بھی اہتمام کیا کریں، اور اس وقت اٹھ کر کے اللہ سے اگر آپ مانگیں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازے گا۔ لہذا سحری کھائیں اور اس وقت اللہ سے دعا کریں۔ اس لیے اللہ تعالی نے جو رمضان کا ذکر کیا ہے جہاں پر، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ میرے بندے جب مجھے مانگتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے اس کے شہر سے بھی قریب ہوں، یعنی میرے بندے کی پکار کو میں کبھی بھی سننے کو ہوں، تیار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے رمضان میں خوب دعائیں کریں، خوب مانگیں، اپنی پریشانی، اپنی بیماری، اپنی ضرورتیں، اپنی تکلیف، ان تمام چیزوں کو رب العالمین کے سامنے آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ انسانوں کے پاس رکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان تو ایک دوسروں کا تکلیف کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے مزے لیتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے جب رکھا جاتا ہے تو رب العالمین بندے کو نوازتا ہے میرے بھائیو۔ تو لہذا گزشتہ رمضان اس کی عبادتیں ہمیں نصیب نہیں ہوئی، آپ نے دیکھا ہم میں ہر شخص کس قدر پریشان تھا، اور کتنے ایسے اللہ کے بندے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو چلے گئے، اللہ ان تمام کی مغفرت کرے کسی بھی وجہ سے، چاہے فطری موت یا بیماری کے سبب، لیکن اللہ نے ہم کو یہ جو موقع دیا ہے اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ رمضان میں بےہودہ حرکتیں کر کے موبائل فون کے ذریعے سے، یا عورتیں صرف کھانے پکانے کے اندر اپنے وقت کو لگا کر کے، نہیں میرے بھائی اور بہنوں، بلکہ رمضان کا مہینہ کھانے کا صرف پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے، کھائیں، ضرورت جتنی ہے اللہ نے رکھی ہے کھائیں، لیکن عبادتوں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں اور عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو کام آئیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان بھی ایمان اور احتساب
अपनी नफ्स के साथ रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखता है, क़याम करता है, सियाम करता है, अल्लाह ताला उसके एक साल के पिछले गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देता है। तो लिहाजा इन बातों का भी ख्याल किया जाए। और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाहुल मुस्तान आपके सामने इससे मुतालिक, मौजू से मुतालिक आपके सामने बयान की जाएगी, इन बातों को जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाहुल मुस्तान। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मेरे भाई, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, और ये दीनी मजलिस है, ये दुनियावी मजलिस नहीं है। ये अल्लाह के घर में जो हम आए हैं, अल्लाह से करीब होने के लिए आए हैं, अल्लाह से कुछ मांगने के लिए आए हैं, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए आए हैं। ज़रा अपने दिलों पर हाथ रख कर के आप कहो, दुनिया के फंक्शनों में, दुनिया की महफिलों में हम कैसे बैठते हैं? हम यहाँ आते हर जवान बच्चा सब यानी कमज़ोर हो जाते हैं क्या, लाहर हो जाते हैं क्या? सबको देखो दीवार से टेक लगाए हुए ऐसे गाफिल होकर के बैठते हैं, भाई उनको कुछ समझ में नहीं उनके ऊपर क्या हो गया है। अब देखें, खास करके मस्जिद के सफ़ों में बीच में जगह खाली होती है, लेकिन लोग आकर के दीवारों को कैसे पकड़ते हैं जैसे वो बैठने की ताकत नहीं रखते। अरे अल्लाह के लिए इस्लाह करो, दुनिया के फंक्शनों में ऐसे बैठते हो क्या जा करके आप? दुनिया क्या कहेगी आपको? मस्जिदों में आते हैं सिर्फ पैर फैला देते हैं। अरे अल्लाह का घर है, यहाँ बैठने के भी आदाब हैं, जुमा के भी आदाब हैं, एहतराम करो इस बात का। और उन लोगों के ऊपर मुझे ख़ास करके अफसोस होता है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है, हमेशा जब नमाज खड़े होती है, इमाम जब मिंबर से उतरने लगता है, तब देखेंगे लोग मस्जिद में आते हैं। क्या सिर्फ रस्म रिवाज पूरा करने आते हो? मस्जिद में जुमा का सिर्फ रस्म और रिवाज पूरा करने आते हो? इससे बेहतर है कि मत आओ मस्जिद के अंदर। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू 3 जुमा इमाम के मिंबर पर चढ़ने के बाद आता है तो उसका रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाता है, और इस तरह से होते होते उसके दिल पर एक स्याही डाल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जरा देखो आप, अल्लाह के लिए आपके पास आधे घंटे का वक्त नहीं है क्या? बिजनेसों के अंदर, तिजारतों के अंदर, दुनिया के अंदर इतना मशगूल हो गए हो, फिर भी दीन की बड़ी बड़ी बातें करते हो? जुमा के दिन हम आधा घंटा पहले मस्जिद में नहीं आ सकते? हमेशा देखता हूं कुछ लोगों को कि अपनी जिंदगी का उन्होंने मामूल बना रखा, क्यों आते हो? इससे बेहतर घर में रहो ना। आपको क्या मिला? जुमा में शरीक होने का सवाब नहीं मिला, रजिस्टर में आपका नाम नहीं आया, कॉमन आम आदमी की तरह आप हो गए, फिर क्यों आए आप? क्या लोग कहेंगे भाई देखो कैसा नमाज नहीं पढ़ता जुमा का, इस शर्म की वजह से आए क्या? क्या अल्लाह का डर नहीं है तुम्हारे दिलों के अंदर? क्या करें, आपकी इस्लाह के लिए बात कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये बात कहने में मुझे दुख हो रही है, यकीनन मेरी बात से आपको तकलीफ होगी, लेकिन मेरी बात के पीछे आपकी कामयाबी है, आपकी कामयाबी है। इस्लाह करो अपनी जिंदगी का। जिंदगी का क्या भरोसा, आए दिन हम देखते हैं अमवात हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, मालूम नहीं हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं, और हम हर जुमा पीछे आते हैं, क्या फायदा मेरे भाई? न 2 रकात सुन्नत हमें नसीब होता है, न कुछ देर अज़कार करने का मौका मिलता है, सलाम फेरते हैं ऐसे निकलते हैं जैसे कैद खाने से निकल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप के अंदर, अपने अंदर जरा तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर चेंजेस पैदा करो, मस्जिद का एहतराम करो, जुमा का एहतराम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अजान होने के बाद अगर कोई लोग तिजारत करता है वो तिजारत हराम है। अल्लाह ताला ने मना किया इस बात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि फ़ाइदा कुदियति सला फंतशरु फिल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नमाज के बाद जाओ, लेकिन जब वईदा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, फ़फिरु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। लेकिन ये सब बातें हमें क्यों समझ में नहीं आती? तो लिहाजा आप अगर आखिरत के ख्वाहिशमंद हो, यकीनन जन्नत की आपके पास मकाम और मर्तबा है, तो फिर इबादतों को इबादत की तरह से करो, रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए मत आओ मेरे भाइयों, मस्जिद का अदब एहतराम करो और इबादत खुलूस लिल्लाहियत के साथ करो। दुनिया के मामले में हम इतना ज़्यादा समझिए यानी मतलब एक्टिव होते हैं, कहीं मीटिंग में जाना है, रात 2 बजे की फ़्लाइट है, 3 बजे की फ़्लाइट है, कब से हम तैयार रहते हैं, कब से तैयार रहते हैं हम, किसी प्रोग्राम में जाना है, कब से हम अपने आप को तैयार करते हैं? मस्जिद जाएंगे भाई, अभी टाइम है अभी खुतबा चल रहा है, अभी पहला खुतबा ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत की शौक है, ये इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं,
आज यही वजह है कि दुश्मनान इस्लाम हमारे ऊपर मुसल्लत होकर के आज जिल्लत रुसवाई के कोड़े रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर बरसा रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, हम अपने आप की इस्लाह करें, अपने आप की इस्लाह करें और यकीनन सिद्क दिल से इस्लाह करने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। सिर्फ रमज़ानी मुसलमान बनकर के ज़िंदगी मत गुजारना, बल्कि अल्लाह से अहदो पैमान करना कि ज़िंदगी जब तक है तब तक रब्बुल आलमीन अल्लाह तेरी तालीमात और सुन्नत रसूल के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारूँगा। मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैं भी आप तमाम से कहूँगा, मैं खुद भी और आप भी यहाँ बैठ करके ये अहदो पैमान करें अल्लाह से, अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर कि पहले हम अपनी नीयतों की इस्लाह करेंगे, अपने नीयतों को हम दुरुस्त करेंगे, अपने नीयतों से बुग्ज, कीना, कपट, हसद, इन तमाम चीज़ों को हम निकालेंगे, रियाकारी, दिखावा, तमाम चीज़ें, और जो भी अमल करेंगे वो अल्लाह के लिए करेंगे। ये इरादा करके अगर आप यहाँ से उठ रहे हो तो खुतबा सुनने का आपको फ़ायदा है और बैठने का फ़ायदा है, और अगर बस इन तमाम इरादों के ज़रिए से आप नहीं उठ रहे हैं तो फिर आपके बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं और अजर व सवाब भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले सुनने वाले को कही हुई बात पर अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब। आमीन। मोहतरम हज़रात, एक आखिरी ऐलान ये है कि मैं इससे पहले जुमा में भी आप लोगों के सामने ऐलान किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद के बाज़ों में औरतों की, ख़वातीन के लिए यानी तामीराती काम चल रहा है, जो कि तंग जगह होने की वजह से परेशानियां हो रही थी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस मस्जिद के तामीर के लिए आप डोनेशन करें। अल्लाह तबारक व ताला ने जो भी आपको माल दिया है उस माल को आप दें और अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका बदला देगा। तो नमाज के बाद ज़िम्मेदार मस्जिद के बाहर रहते हैं, उनके पास आप जिस तरह ताउन करना चाहते हैं, चाहे मटेरियल के ज़रिए से हो, पैसों के ज़रिए से हो, आप उनके पास जा कर के लिखवा दें और वह तमाम चीज़ें आप पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह आपके दिव्य माल को कबूल करें और बरक़ माल के अंदर अल्लाह खैर बरकत अता फ़रमाए। दूसरा ऐलान ये है कि हर जुमा की तरह आज भी आप लोगों से मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों कि मस्जिद की अखराजात के लिए आप ताउन करते हुए जाएं, क्योंकि आप ही लोगों के ताउन से बहुत सारे अखराजात मुकम्मल किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए और बकिया माल के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली और शिफाए आजिला अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं या इस दुनिया से गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और परेशान हाल की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। आमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وجل وأهم وأكبر.